कुछ दिन पहले अमिताभ बच्चन की मूवी का एक टीजर रिलीज हुआ था, जिसे मैंने अपने रिएक्शन वीडियोस में कवर करना मिस कर दिया था. सो आई विल नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक एंड टुडे आई एम गोइंग टू कवर द ऑफिशियल ट्रेलर जो कल रिलीज हुआ था. तो स्टे विथ मी एंड देखिए ये कौन सी मूवी है. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू छाया रिएक्शंस. मैं हूँ छाया एंड आज हम करने वाले अमिताभ बच्चन की मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर पर रिएक्शन वीडियो. ये मूवी का टीजर रिलीज हुआ था कुछ दिन पहले, विच आई मिस्ड टू इंक्लूड इन माय रिएक्शन वीडियोस, बट आई डोंट वांट टू मिस ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर. तो मूवी का टाइटल है झुंड. झुंड का इसमें हमें नजर आएंगे अमिताभ बच्चन एंड इनके साथ है, अगर आपने मराठी मूवी सैराट देखा है तो उसमें ये लीड एक्टर के इसमें दिखाई दिए थे. उस टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा 14 या 15 ईयर्स ओल्ड कॉलेज गोइंग बॉय के रोल में थे. ही गॉट अ बिग चांस टू वर्क विद मिस्टर अमिताभ बच्चन. और इस मूवी में म्यूजिक दिया है अजय अतुल ने, विच मीन्स कि म्यूजिक एज यूजल ऑसम रहेगी. तो देखते हैं क्या है ये ऑफिशियल ट्रेलर और इसमें हमें और क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है. ये ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हुआ था कल और इसे अभी तक बहुत सारे व्यूज मिल गए, मिलियंस ऑफ व्यूज मिल गए. आई थिंक सो ऑलमोस्ट 7.5 मिलियंस ऑफ व्यूज, दैट्स अ बिग अचीवमेंट. वाओ, ये मूवी देखने को मिलेगी इन सिनेमाज ऑन 4th of March 2022. मतलब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, नेक्स्ट वीक में 4th ऑफ मार्च को ये मूवी रिलीज होने वाली. तो डू नॉट मिस इट टू वॉच इट इन द सिनेमास. डिस्क्रिप्शन में कुछ है नहीं, विच मीन्स वी हैव टू वॉच द ऑफिशियल ट्रेलर. तो व्हाई टू वेस्ट टाइम. अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन, बिकॉज मैं हर रोज एक रिएक्शन वीडियो के साथ आती हूँ. ऑल्सो देर इज अ बेल आइकन, उसे भी जरूर क्लिक करना, उससे नोटिफाई होगा सबसे पहले आपको जब भी मैं एक न्यू वीडियो अपलोड करूंगी. ऑल्सो इफ यू लाइक दिस वीडियो फॉर एनी रीजन, गिव इट अ थम्स अप. मुझे लगता है कि इस गंदगी को आप इस कॉलेज कैंपस में ना लाए तो बेहतर है. मुझे ठीक ना देख रहे. गंदा नहीं तो मेरे को कौन? कॉलर छोड़ो, पिचा नहीं छोड़ रहा, क्या करेगा. I've been spending some time with these kids and I can see them change. विजय, यस, ये सब करके आप क्या साबित करना चाहते हो? फुटबॉल के ऊपर मूवी. छोटे कुटा बच्चे दिखा नहीं दे रहे. तुमको क्या माल चाहिए क्या? गांजा. ठीक से बोलना भी सीख लें तो आप जो बोलेंगे वो करने के लिए तैयार हैं. अंकल केड़ा समझ रहा क्या? पैसा लेने के लिए है नहीं मेरे पास. शक्कर के डब्बे में देख ले. हाँ, कैसा लो? आप जो कह रहे हैं मैं जानता हूँ, लेकिन ये लड़के अच्छे हैं. बेटा अगर हट गए ना मेरे तो महंगा पड़ेगा. देखो क्या महंगा पड़ेगा. ये सब बंद करो, ये आपसे नहीं होगा. पूरा कॉलेज का झोपड़पट्टी बना दिया है. इसको बोलो ये फुटबॉल बहुत अच्छा खेलती है. ये पूरे बच्चे झपड़पट्टी गए. जी सर. ये लोग फुटबॉल का नाम बदनाम कर रहे हैं. मैं सुधरना चाहता था, सुधरने क्यों नहीं दे रहे तुमने को? ये बच्चे एक पत्थर मार कर सुअर को मार गिराते हैं. इनके हाथों में पत्थर की जगह अगर एक गेंद थमा दी जाएगी तो ये विश्व के सबसे तेज गेंदबाज बन सकते हैं. आप कहते हैं कि ये झुंड है, मैं कहता हूँ कि ये नेशनल फुटबॉल टीम, हमारी नेशनल फुटबॉल टीम है. वो एक्ट्रेस भी सैराट मूवी वाली थी. आई डोंट रिमेम्बर हर नेम. शुट.
ओ सर ये देखो ये क्या बोल रहा भारत मतलब बहुत ही बढ़िया ट्रेलर था, इससे काफी ज्यादा स्टोरी समझ में आ गई है। अमिताभ बच्चन इज प्लेइंग द कोच या फिर एज अ टीचर, वो उन स्लम में जो बॉयज है जो गलत रास्ते पे जा चुके हैं वो उन्हें एक प्रॉपर डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं, प्रॉपर एजुकेशन देना चाहते हैं, प्रॉपर एक करियर देना चाहते हैं जो फुटबॉल के थ्रू वो उन्हें इम्प्रूव करना चाहते हैं, उन्हें ये सब चीज़ों से दूर करना चाहते हैं। दे आर जस्ट द टीनेजर्स जो गांजा चरस इन सब में फंस चुके हैं और अपना पूरा लाइफ खराब कर रहे हैं। ही जस्ट वॉन्टेड टू इम्प्रूव देयर लाइफ सो डैट उनकी फैमिलीज, उनका वे ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ज़्यादा बेटर हो पाए, और ही हैज़ अ विजन ऑफ सीइंग देम प्लेइंग इन द नेशनल फुटबॉल टीम विच इज़ अ बिग थिंग फॉर द पीपल जो स्लम में रह रहे हैं, इनके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म वो देना चाहते हैं। ही इज़ जेन्युइनली कंसर्न फॉर दोस किड्स, वो उन्हें एक प्रॉपर एजुकेशन देना चाहते हैं, जहाँ पे वो कॉलेज के प्रिंसिपल जैसे हम देख रहे थे ही वॉज नॉट ओके कि कोई स्लम के स्टूडेंट्स है वो कॉलेज में आए एंड वो दूसरे बच्चों के साथ पढ़ाई करे। और इसमें जो हमें नज़र आ रहे हैं सैराट के जो हीरो है ही इज़ ऑल्सो लुकिंग गुड इन दिस मूवी। आफ्टर सैराट मैंने उन्हें एक और बॉलीवुड में आई थिंक सो वेब सीरीज में काम करते हुए देखा था, उसमें भी उन्होंने कॉलेज का ही कॉलेज बॉय का रोल किया था एंड नाउ अगेन वी कैन सी हिम इन द कॉलेज बॉय रोल। और इनका यहाँ पे रोल थोड़ा डिफरेंट है, वो बाकी के स्लम बच्चों के जैसे नहीं है, ही इज़ एट अ गुड लेवल। हो सकता है कि वो स्लम को बिलोंग करते हो इन द मूवी बट वो उनकी तरह गलत डायरेक्शन में नहीं गए, ही माइट हैव सेम थिंकिंग जैसे अमिताभ बच्चन की है फॉर द किड्स इन द स्लम। अजय अतुल की म्यूजिक है वो एड ऑन कर रहा है इन द मूवी। अजय अतुल की म्यूजिक अगर आप सुनोगे तो आपको सुनते ही समझ में आएगा कि ये हु इज़ द म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी। आई एक्चुअली लाइक दिस ऑफिशियल ट्रेलर, ओवरऑल इट्स अ वेरी नाइस मूवी, मोटिवेशन मिलेगा ये मूवी देखने पर। और ये मूवी रिलीज हो रही है ऑन 4th of March, डू नॉट मिस इट, वॉच इट इन द सिनेमा हाउस नियर यू। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट ट्रेलर रिएक्शन। ये वीडियो आपको पसंद आए फॉर एनी रीजन गिव इट अ थम्स अप, गिव इट अ थम्स अप फॉर नागराज, गिव इट थम्स अप फॉर अमिताभ बच्चन, गिव इट अ थम्स अप फॉर अजय अतुल, and if you liked me then give it a thumbs up for me. So I will see you in my next reaction video. Till then stay healthy, stay fit and bye for now.